हमारे तो दिमाग में ही सर्किट पन कूट कूट के भरा है। आप ऐसी कोई भी चीज घर पर दोहराने की कोशिश न करें। हेलो गाइज, मैं उस तो आप देख रहे हैं मिस्टर सर्किट यूट्यूब चैनल। तो गाइज यार, आज की जो वीडियो है ना, काफी जो अलग और डिफिकल्ट होने वाले है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने वाले एक हॉट एयर बलून। तो गाइज मैं इसलिए मतलब कि थोड़ा लेट बोला क्योंकि आप खुद थंबनेल को देखकर गेस कर सकते हैं। तो गाइज हम क्या करेंगे, हॉट एयर बलून एक बार हमने आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, हमने एक अखबार से बनाया था, न्यूज़पेपर से, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा बड़े लेवल और सर्किट लेवल पर बनाकर ट्राई करने वाले। तो गाइज हम बनाने वाले उस हॉट एयर बलून को एक प्लास्टिक की थैली की मदद से। तो वो थैली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गाइज यहाँ पर देखिए, एक पॉलीथीन है जो कि काफ़ी बड़ा और बिग साइज पॉलीथीन है। आप देख सकते हो लगभग इसकी जो लेंथ होगी ना, वो इस ऐसे देखे तो कम से कम 2.5 फीट के लगभग होगी, और ऐसे में देखे तो 2 फीट के लगभग। और यहाँ पर हमारे पास है लोहे का एक तार, क्योंकि गाइज इसको नॉर्मल हम गोल शेप में अगर फुलाएंगे ना तो इसके अंदर हवा बननी पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक तार को लगाना पड़ेगा, जो कि लोहे का तार रहे या फिर कोई भी तार, किसी भी चीज़ की मदद से हमें इसको मतलब कि गोल शेप में बनाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे एक फ्यूल कंजनेटर लगाना पड़ेगा। तो गाइज वही हम करने वाले हैं। तो फटाफट से हम पहले इस तार को इस शेप में यहाँ पर कुछ भी जमा कर आपको दिखा दे, उसके बाद ही मिलते हैं। तो गाइज यार यहाँ हमने बना लिया, आप देख सकते हो एक रिंग जो कि बिल्कुल मोटरसाइकिल के टायर के जैसी है, लेकिन वहाँ पर यूज होने वाली नहीं है गाइज, ये हमारे एयर बलून के लिए है। तो गाइज इसको हमने इस तरीके से शेप दिया, इसके बीच में एक तार को रख दिया है, जो भी किस काम में आएगा वो आप देख लेना। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं, और ये जो बलून मान सकते हो या फिर एक थैली मान सकते हो, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे। और अब गाइज इसको करते हैं इस तरीके से खड़ा, और अब गाइज इसको इस तरीके से अंदर फिक्स करना है हम लोगों को। तो गाइज हम फिक्स करते हैं, इतने में आप देख लीजिए हमारा इंट्रो। सो गाइज यार यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो इसका जो मतलब कि राउंड शेप था वो भी दे दिया हमने, और यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसमें लाया तो हवा जो इसके अंदर स्टोर हो रही है। तो अब गाइज क्या करना है, इसको इधर रखते हैं, और यहाँ पर लेना हमको लाइटर। लाइटर पर गाइज हमने टेप चिपका रखी है क्योंकि ये बटन नीचे ही रह जाए इसके लिए, और यहाँ पर आपको इसको खोल लेना है। और गाइज अब खोल कर क्या करना है, आपको नॉर्मल यहाँ से भी आपको खोल लेना है। तो गाइज अब देख लीजिए इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो बढ़ गई होगी, यानी कि इसके अंदर से जो गैस आती होगी ना वो बढ़ गई होगी। हम इसको प्लस की तरफ कर देते हैं। अब जैसे हम इसको दबाएंगे ना, इसके अंदर से ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा गैस आने लग जाएगी, जिससे ज़्यादा जोर से आग लगेगी, ताकि वो हमारे जो इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके। तो गाइज अब यहाँ पर इसको वापस इसी तरीके से लगा देना है जहाँ पर ये था, कुछ इस तरीके से। और गाइज अब यहाँ पर हमको चिपकाना है कुछ इस तरीके से टेप। यहाँ पर एक रस्सी बांध देते हैं, देखिए, ताकि इसकी जो कैपेसिटी है ना उससे ज्यादा ये जा नहीं सके। और गाइज अब होने वाला है खतरनाक रूप से एक्सपेरिमेंट, भाई इसको पकड़ ले, अब लगा दे आग। यार तो गाइस यार अब हमने मतलब कि लाइटर था तो उड़ा नहीं, लेकिन दूसरा जुगाड़ लगा है, उस जुगाड़ से उड़ा कर देखते हैं। तो गाइस अब शायद से हमारा हॉट एयर बलून उड़ सके। नो 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 देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस यार अभी तो हमारा हॉट एयर बलून थोड़ा सा ही उड़ा था और यहीं पर खत्म हो गया। गजब बेइज्जती है। तो गाइस यार अभी हमारे हॉट एयर बलून की चिताओं को अग्नि मिल चुकी है और ये जलकर खत्म हो चुकी है।
फिर भी नहीं उड़ पाया। लेकिन गाइज हम नॉर्मली किसी दूसरी वीडियो में आपको उड़ा कर दिखा देंगे। गाइज हमने एक सैंपल को इस्तेमाल करके देखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने की वजह से नहीं उड़ पाया। तो गाइज ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ही नई वीडियो में इस हॉट एयर बलून को उड़ाने के साथ। ठीक है, मज़ा आया।